हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपके बच्चे को चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है और बिना चॉकलेट के वो कोई भी काम नहीं करता है, इनफैक्ट खाना भी वो बिना चॉकलेट के नहीं खाता है, और इस बात को लेके आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, तो फिर ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। अगर आपके बच्चे को बहुत ही ज़्यादा चॉकलेट पसंद है और उसकी ये जो चॉकलेट के प्रति ऑब्सेशन है, इसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए, इस वीडियो में आज हम यही डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हर एक बात के लिए चॉकलेट चाहते हैं। चॉकलेट तो हर एक बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन ऐसे कुछ बच्चे भी होते हैं जिन्हें चॉकलेट के बिना और कुछ सूझता ही नहीं है। उन्हें अगर आप खाना दो तो भी उनको चॉकलेट चाहिए होता है। इवन मैंने ये तक देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें स्कूल जाने के लिए भी उन्हें चॉकलेट देना पड़ता है। मतलब वो स्कूल जा रहे हैं, उनको चॉकलेट चाहिए होता है, या तो फिर स्कूल के छुट्टी होने के बाद जब घर पे आते हैं रास्ते में उनको चॉकलेट्स चाहिए होता है। मैंने यहाँ तक भी देखा है कि उनको प्रॉपर खाना खिलाने के लिए भी उन्हें चॉकलेट देना पड़ता है, या तो फिर ऐसा होता है कि बेबी को आप बाहर ले जा रहे हो और सीधा वो जाके शॉप पे चॉकलेट के लिए ज़िद करते हैं। तो ये जो ऑब्सेशन है चॉकलेट के प्रति, इसे हम कैसे कम कर सकते हैं, आज का वीडियो इसी बारे में है। क्योंकि जिन पेरेंट्स के साथ ऐसा होता है, इस बात की तकलीफ सिर्फ वही समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए या कैसे हम लोग कम कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हेल्पफुल होगा आई एम श्योर आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए और पसंद आने पर लाइक कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो बेबी को ये सिखाना चाहिए बचपन से ही कि कौन सा खाना उसके लिए सही है, कौन सा खाना उसके लिए सही नहीं है, और ये बचपन से ही बेबी को सिखाना चाहिए। बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उन्हें आप जो सिखाएंगे वो वही सीखेंगे और इजीली सीख भी जाते हैं बच्चे। बच्चे को कुछ भी चीज़ सिखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता है। तो अगर आप बचपन से ही बेबी को बता देंगे कि ये खाना उनके हेल्थ के लिए अच्छा है और ये खाना नहीं है, और उनके लिए बचपन से ही एक हेल्दी डाइट आप सेट कर देंगे, तो ज़्यादा बेहतर होगा। बच्चा बचपन से ही जान पाएगा कि हाँ, ये खाना मेरे लिए सही है और ये उतना ज़्यादा सही नहीं है, ये उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये जो थॉट है, ये बेबी के अंदर बचपन से ही डाल देना चाहिए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि बच्चों को सिखाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो इजीली सीख जाते हैं। तो अगर आप बचपन से ही बेबी को एक हेल्दी डाइट के अंदर डाल देंगे तो बेबीज़ हेल्दी खाना ही खाएंगे, वो चॉकलेट्स वगैरह की तरफ बहुत कम देखेंगे। और बचपन से ही उसको अगर सिखा देंगे आप कि ये जो खाना है वो आपके लिए अच्छा है और ये खाना आपके लिए उतना अच्छा नहीं है, तो बच्चे इजीली सीख भी जाएंगे कि हाँ, ये खाना मेरे लिए अच्छा है, मैं यही खाना चाहूँगी, और ये खाना मेरे लिए उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि मम्मा ने मना किया है। तो ये आपको बचपन से ही बेबी को सिखाना पड़ेगा। सेकेंडली, ऐसा होता है ना कि आप कोई भी काम करने के लिए बच्चे को चॉकलेट ऑफर करते हो। मतलब बेटा, अगर आप ये खाना खा लोगे तो आपको ये चॉकलेट मिलेगा, या तो फिर आप अभी पढ़ाई करेंगे तो आपको ये चॉकलेट मिलेगा, या तो फिर आप अगर स्कूल जाओगे तो आपको ये चॉकलेट मिलेगा। ये जो चीज़ है वो आप बेबी को बोलना बिल्कुल बंद कर दो। अगर आप खुद ही बेबी को चॉकलेट ऑफर करेंगे तो बेबी तो चॉकलेट के प्रति ऑब्सेस्ड होगा ही। आप उसे चॉकलेट के बजाय कुछ और गिफ्ट देने के लिए प्रॉमिस कर सकते हो, जैसे कि बेटा अभी आप स्कूल चले जाओ, स्कूल से आने के बाद मैं आपका कोई भी फेवरेट स्नैक्स बना के रखूँगी, या तो फिर आपको वो वाला टॉय आपको दे दूँगी खेलने के लिए निकाल के जो मैंने रख दिया था, ऐसा कुछ। मतलब अभी आप होमवर्क ख़त्म कर लो, उसके बाद मैं आपको चॉकलेट नहीं कुछ और दूंगी, कुछ और गिफ्ट देने की ऑफ़र कर सकते हो आप, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप खुद ही उसे चॉकलेट नहीं देंगे तो वो चॉकलेट के प्रति उसका जो ऑब्सेशन है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसा कि मैंने कहा कि बेबी को आप कोई भी काम करवाने के लिए चॉकलेट गिफ्ट में देने की ये जो आदत है वो बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप उसके बजाय बेबी को हेल्दी स्नैक्स और फ्रूट्स दीजिए। आप फ्रूट्स को अगर डिज़ाइन करके कट करके बेबी को देंगे ना, तो बेबीज बहुत खुश हो जाते हैं और वो धीरे धीरे वही खाने की आदत डालेंगे चॉकलेट की वजह। लेकिन अगर आप खुद ही बेबी को चॉकलेट गिफ्ट करेंगे तो वो तो चॉकलेट खाएंगे ही। तो इसलिए आप ये कर लो, आपको चॉकलेट मिलेगा, ये बोलने की बजाय आप ये बोल सकते हो कि आप ये काम कर लो, आपको ये वाला फ्रूट मिलेगा, और वो फ्रूट आप बेबी को डिज़ाइन करके कट करके दे सकते हैं, तो बेबीज़ खुश हो जाते हैं देखते ही। नेक्स्ट,
सबसे पहले तो घर पे चॉकलेट रखना ही आप छोड़ दीजिए। अगर आपका बच्चा चॉकलेट के प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है तो आप फ्रिज में चॉकलेट रखना ही छोड़ दीजिए। ये सबसे पहला काम आपको करना चाहिए। अगर बच्चा घर में है और वो फ्रिज खोल के ही चॉकलेट देखेगा तो वो चॉकलेट खाएगा ही। इससे बेहतर ये होगा कि आप फ्रिज में चॉकलेट की जगह हेल्दी स्नैक्स रखिए, फ्रूट्स वगैरह रखिए, ताकि बच्चा जब फ्रिज खोले उसे चॉकलेट की बजाय हेल्दी खाना या फ्रूट्स वगैरह दिखे और वो वही खाए। अगर घर में चॉकलेट होगा तो बच्चा खाने का ज़िद करेंगे ही। अगर घर में चॉकलेट होगा ही नहीं तो बच्चे ज़िद भी नहीं करेंगे। तो इसलिए आप फ्रिज में चॉकलेट रखना ही छोड़ दीजिए। फ्रिज में आप हेल्दी स्नैक्स और फ्रूट्स रखिए ताकि बच्चा जब भी फ्रिज खोले उसे हेल्दी चीज़ें दिखे और वो वही धीरे धीरे खाने की हैबिट डाले। बजाय चॉकलेट के आप फ्रिज में हेल्दी स्नैक्स और फ्रूट्स रखिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट, अगर आपको खुद को चॉकलेट खाने की आदत है तो सबसे पहले तो आपको खुद को वो आदत छोड़नी चाहिए। मतलब मैंने खुद ये देखा है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें खुद को चॉकलेट खाने की आदत होता है और फ्रिज में चॉकलेट भी होता है, लेकिन बच्चे को मना करते हैं कि नहीं, चॉकलेट आप नहीं खा सकते। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपको खुद को चॉकलेट पसंद है और आप खुद के लिए फ्रिज में चॉकलेट रखते हैं और खुद खाते हैं लेकिन बच्चे को आप मना कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। बच्चा बिल्कुल भी नहीं सुनेगा, क्योंकि आप जो करेंगे बच्चा वही कॉपी करेगा। और ये आदत है बच्चों की कि पेरेंट्स जो करते हैं बच्चे वही कॉपी करते हैं। तो अगर आप खुद चॉकलेट खाएंगे और अपने बच्चे को मना करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है, आपका बच्चा भी खाएगा। पहले तो आपको ये आदत छोड़नी होगी चॉकलेट खाने की, तभी आपका बच्चा चॉकलेट खाने की ये जो आदत है वो छोड़ेगा। अब बच्चों के लिए थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ता है, और ये तो छोटी सी चीज़ है, सिर्फ चॉकलेट छोड़ना है। एज ए मदर, एज ए पेरेंट्स, हम तो बच्चे के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। सिर्फ चॉकलेट की क्या बात है, चॉकलेट तो हम यूं ही छोड़ सकते हैं। तो बस यूं ही चुटकी में चॉकलेट छोड़ दीजिए और अपने बच्चे को भी बताइए कि चॉकलेट बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं होती है। नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने पहले ही बताया है कि बचपन से ही बेबी को सिखाना चाहिए। बेबी को आप कुछ भी सिखाना चाहो वो बचपन से ही सिखाना चाहिए। आप अगर ये सोच रहे हो कि नहीं, बड़ा होके बच्चा कुछ सीख जाएगा या बड़ा हो जाने के बाद आप उसे सिखाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि अभी तो बच्चा छोटा है, वो जो खाना चाहे उसको खाने दो, और उसे चॉकलेट्स पेस्ट्रीज वगैरह ला के देते हैं और बच्चा बहुत खुश होता है और वो खाता है, और उसके बाद बड़ा होके आप उसे डांटते हो कि नहीं, आपको चॉकलेट नहीं मिलेगा या पेस्ट्री नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता है, बच्चा ज़िद करेगा ही, क्योंकि उसे बचपन से ही चॉकलेट्स पेस्ट्रीज वगैरह मिलता आ रहा है। और अभी अचानक से अगर आप उसे डांटने लगोगे चॉकलेट खाने के लिए तो बच्चा कैसे इस चीज़ को हैंडल करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। बचपन से ही बच्चे को एक हेल्दी हैबिट में डालना बहुत ज़रूरी है। और ये जो थॉट है कि अभी बच्चा बहुत छोटा है, उसको चॉकलेट्स वगैरह देते हैं, बड़ा होने के बाद मैं उसको सिखा दूँगी कि नहीं, चॉकलेट अच्छी चीज़ नहीं है, ये संभव नहीं है। बच्चे ज़िद करेंगे बड़ा होके, क्योंकि अभी तक उसे चॉकलेट मिलता आ रहा है। अगर वो बड़ा होके उसे चॉकलेट नहीं मिलेगा तो वो ज़िद करेगा चॉकलेट के लिए। और यहाँ पे मैं एक और बात आप लोगों को बताना चाहूँगी कि बच्चे के लिए तब तक ही अलग से खाना बनाइए जब तक बेबी प्रॉपरली खाना ना सीख जाए। मतलब उसका दो एक दांत नहीं निकल जाता है और वो च्यू करके खाना नहीं सीख लेता है, तब तक ही उसके लिए अलग से खाना बनाइए। उसके बाद आप जो खा रहे हो वही बच्चे को खिलाइए, या एक ही खाना बनाइए जो आप भी खाएंगे और आपका बच्चा भी खाएगा। तो उसका ये जो ज़िद है कि मुझे वो खाना है, चॉकलेट खाना है, ये अपने आप कम हो जाएगा। मैं मम्म्स को 1.5 साल से ही मैं जो खाती हूँ वही उसको खिलाती हूँ, या तो फिर उसके लिए जो बनता है वो खाना ही हम सब खाते हैं। तो उसके अंदर ये जो ज़िद है कि उसे चॉकलेट खाना है वो आता ही नहीं है, क्योंकि उस वो देख रही है कि वही खाना है जो मैं भी खा रही हूँ और हमारे पेरेंट्स वही खा रहे हैं, तो ये जो ज़िद है वो आएगा ही नहीं। मतलब मैंने ये खुद देखा है कि बच्चा 5-6 साल का हो चुका है लेकिन फिर भी बच्चे के लिए अलग से खाना बन रहा है। मतलब आप कुछ और खा रहे हो और बच्चे के लिए अलग से खाना बन रहा है। अगर बच्चा ये सब कुछ देखेगा तो उसके अंदर ज़िद अपने आप आ जाएगा कि मैं चॉकलेट खाऊंगी तो मुझे चॉकलेट अगर मैं मांगूंगी तो देना पड़ेगा। अगर बच्चा खुद ये देखेगा कि मैं जो खा रही हूँ मम्मी पापा भी वही खा रहे हैं, घर के सब लोग वही खा रहे हैं, तो उसके अंदर वो ज़िद आएगा ही नहीं। और आप उसे बोल भी सकते हो कि देखो सब लोग एक ही खाना खा रहे हैं तो आप भी यही खा लो। एंड लास्ट,
ज़्यादातर अगर घर पे कोई आता है तो बच्चे के लिए चॉकलेट्स ही लाते हैं, क्योंकि हर एक बच्चे को चॉकलेट पसंद आता है, तो घर पे अगर कोई आता है तो बच्चे के लिए चॉकलेट ही लाते हैं। तो आपको बचपन से ही बेबी को ये समझाना होगा कि जो चॉकलेट अंकल या आंटी जो भी है, जो चॉकलेट्स आपके लिए आया है, वो आपको एक ही बार में पूरा नहीं खाना है। पहले पहले ये आपको खुद को बेबी को समझाना होगा कि जो चॉकलेट घर पे आया है आपके लिए, वो आपको एक ही बार में पूरा नहीं खाना है। आपको थोड़ा सा तोड़ के बेबी को देना है और बाकी का ये बोल के रखना है कि आपको बाद में मिलेगा। पहले पहले आपको ये बताना होगा बच्चे को, और उसके बाद देखना बच्चे में ये हैबिट अपने आप आ जाएगा कि अगर उसको कोई चॉकलेट देगा तो वो उसमें से थोड़ा सा बस तोड़ के लेंगे और बाकी का वो आपको खुद दे देंगे रखने के लिए, बाद में खाने के लिए। आपको पता नहीं विश्वास होगा कि नहीं, लेकिन मेरी बेटी में मैंने ये आदत डाल दिया है एंड आई एम प्राउड ऑफ इट कि मेरी बेटी आज यही करती है। अगर उसके लिए घर में चॉकलेट आता है, कोई भी अगर उसके लिए चॉकलेट्स लेके आता है, तो वो उसमें से थोड़ा सा चॉकलेट तोड़ के ले लेती है और उसके बाद बाकी का आधा वो मुझे दे देती है रखने के लिए। वो खुद आके मुझे बोलती है कि आप ये रख दो, मैं बाद में खा लूँगी, क्योंकि एक ही चॉकलेट पूरा एक ही टाइम में नहीं खाया जाता है। तो ये जो आदत है मैंने उसके अंदर डाल दिया है और मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। तो आपको ये आदत बचपन से ही बेबी को देनी होगी कि उसके लिए घर पे ये जो चॉकलेट आया है वो उसको पूरा एक ही दिन में ख़त्म नहीं करना है। पहले पहले आपको सिखाना होगा कि ये मैं रख देती हूँ, आप इतना सा खा लो, बाकी का जो है वो आपको बाद में खा लेना। लेकिन एक दिन आप खुद ही ये देखोगे कि आपका बच्चा खुद थोड़ा सा लेगा और बाकी का आपको दे देगा रखने के लिए। तो ये आदत आपको बचपन से ही बेबी के अंदर डालनी होगी, अगर आप डाल सकोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बट हाँ, इन सब के बीच ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने बच्चे को ट्रीट नहीं दे रहे हो या तो फिर चॉकलेट्स बिल्कुल भी नहीं दे रहे हो। ऑफकोर्स सबके बच्चे को चॉकलेट देंगे आप, क्योंकि बच्चे को चॉकलेट पसंद आता है तो चॉकलेट बेबी को देंगे ही, लेकिन महीने में एक बार या दो बार ही आप बेबी को चॉकलेट दीजिए। मैं मम्मम को एक या दो दिन महीने में चॉकलेट्स देती हूँ, या तो फिर चॉकलेट की कोई यम्मी सी रेसिपी बना के देती हूँ जो देख के मम्मम बहुत खुश हो जाते हैं। ज़्यादातर बच्चे चॉकलेट की कोई भी रेसिपी बहुत पसंद करते हैं, तो आप महीने में एक दिन या दो दिन चॉकलेट से कोई भी रेसिपी बनाइए और अपने बच्चे को सरप्राइज दीजिए, ट्रीट दीजिए, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। या तो फिर सिंपली आप खुद बच्चे को महीने में एक दिन या दो दिन चॉकलेट दीजिए, बच्चा बहुत खुश हो जाएगा। ऐसे बच्चे की ये जो चॉकलेट की ऑब्सेशन है वो बिल्कुल कम हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, और आप बच्चे को चॉकलेट से मना भी नहीं कर रहे हो, आप उसे दे भी रहे हो चॉकलेट। महीने में एक या दो दिन काफ़ी होता है बच्चे के लिए चॉकलेट, तो आप उसे महीने में एक दिन या दो दिन खुद चॉकलेट दीजिए, बहुत खुश हो जाएंगे बच्चे। जैसा कि सब बोलते हैं कि बच्चे जो है वो गीली मिट्टी की तरह होता है, आप उसे जैसा बनाना चाहो वो वैसे ही बन जाते हैं। तो अगर आप बचपन से ही अपने बच्चे को हेल्दी हैबिट्स सिखाएंगे, हेल्दी डाइट के अंदर डालेंगे, तो बच्चा अपने आप हेल्दी चीज़ें सीखेगा, हेल्दी खाना भी खाएगा और चॉकलेट के प्रति बिल्कुल भी ऑब्सेस्ड नहीं होगा। लेकिन अगर आपका बच्चा ऑलरेडी चॉकलेट के प्रति ऑब्सेस्ड है, तो फिर आपको ये सारे उपाय ज़रूर अपनाना होगा और धीरे धीरे आपका बच्चा बिल्कुल ट्रैक पे आ जाएगा, वो बिल्कुल हेल्दी खाना खाना शुरू कर देगा चॉकलेट की वजह। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि एक ही दिन में आपका बच्चा चॉकलेट छोड़ के हेल्दी खाना खाने लग जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ये संभव नहीं है। धीरे 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 बच्चे की ये जो चॉकलेट की आदत है वो छूट जाएगी, धीरे धीरे छूटेगी, लेकिन उसके लिए आपको ज़रूर मेहनत करनी पड़ेगी। और देखना एक दिन आपका बच्चा खुद चॉकलेट की वजह एप्पल को चूज़ करेगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बस इस वीडियो के नीचे जाइए, जो लाल सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा उसे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक ये वीडियो पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। At the zoom, all fall down.